बात करी जाए तो उनका जो वो किसी को भी अच्छे लग सकते हैं, चाहे परिवार के साथ साथ समाज में भी उनको कहीं ना कहीं कोई भी होगा, चाहे वो गैर भी क्यों ना हो, एक प्यार उसने जरूर देता है। खास तौर पे जब उनको संभालने की बात आती है तो ये फूल की बहुत अहम जिम्मेदारी हो जाती है। जब वो परिवार की प्रथम पाठशाला से निकलकर अपने स्कूल के वातावरण में आते हैं, टीचर्स के सामने आते हैं, टीचर्स का बहुत अहम योगदान होता है बच्चों को संभालने के लिए कि टीचर्स उनको, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड टाइम दिन का टीचर्स के साथ ही बीतता है। बच्चा कैसे उठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उसकी हैबिट्स हैं, क्या बच्चे को तकलीफ है, A to Z टीचर्स देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरएलबी पब्लिक स्कूल की कैसी टीचर शक्ति सिंह सेंगर, जो हमें बताएंगी कि बच्चों को संभालना। इनसे अभी हमने बात करी तो इन्होंने यही चीज बोला, अपने आप में चैलेंजिंग भरा काम है। चलिए शक्ति से हम सीधे जानते हैं क्या सारे चैलेंजेस हैं जो बतौर खास तौर पे छोटे बच्चों की टीचर्स को देखने पड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति इंडिया लाइब्रेरी में। क्या खास सारी चीजें हैं जो आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं छोटे बच्चों को लेकर? बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उनका मूड, क्योंकि बच्चे सुबह अर्ली मॉर्निंग आते हैं, कभी कभी किसी बच्चे को नींद आ रही है, किसी का खेलने का मूड है, तो हर बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना पड़ता है। किसी बच्चे को नींद आ रही है तो हम जबरदस्ती उसको उठा के उसे नहीं पढ़ा सकते, तो उसको उसी के मूड के अकॉर्डिंग कुछ गेम्स कराते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनका मूड चेंज हो सके, स्टडी कराते हैं। ओरल करने का बच्चे का मन नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है अगर हम सिर्फ भी ओरल कराते हैं उनको एक और एप्पल तो कोई बच्चा नहीं करता, अगर उनको राइम के साथ हम म्यूजिक के साथ कराते हैं तो बच्चे उसको एंजॉय करके करते हैं। ये चीज एक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, तो हर बच्चे के लिए और अक्सर ही देखा गया है शक्ति कि अगर हम लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि पेरेंट्स का एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो उनकी आधी से ज्यादा जान होती है, खासतौर पर जब बच्चा छोटा होता है, तो क्या सारी चीज आप, कोई बच्चा आता है आप उसको कैसे एंटरटेन करते हो उसके पहले दिन, और कैसी क्या, क्योंकि आप बच्चे, आपने बोला कि जो बच्चे का मूड होता है तो उसको समझना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कब वो एंगुलर हो रहा है, कब उसकी हैबिट्स ऑफ कैजुअल हो रही है, ये सारी चीजें आप कैसे समझ पाते? जैसे उनका पढ़ने का मन नहीं है तो वो आपसे बोलेंगे कि नहीं मैम मुझे स्विंग्स पे जाना है, मुझे टॉय खेलना है, नहीं पढ़ना है, तो उनको हम इतनी डांटेंगे मारेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, तो उनसे बोला जाता है ठीक है आप इतनी देर के लिए स्विंग्स पे जाएंगे तब हम आपको इतनी देर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो चीज को इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा मैम मेरी बात मान ली तो मैं मैम की बात मानता हूँ, अगर आप एक्टिव हो नहीं आपको नहीं खेलना है आपको पढ़ाई करनी है तो फिर वो नहीं करते हैं, इतना एंग्री हो जाएंगे कि आपको भी छोड़ पहुंचा देंगे। कोई ऐसा आपकी मैसेज हमारे इस चैनल के माध्यम से जो आप उन पेरेंट्स को देना चाहते हो, उन टीचर्स को देना चाहते हो जो इस चैलेंजिंग भरे काम में दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि टीचर्स को ज्यादा ड्यूटी आवर्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर वाले होते हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस, कोई ऐसा मैसेज जो सारे टीचर्स को भी आप देना चाहते हो अपनी तरफ से? एक्चुअली बच्चे होते हैं तो बहुत पेरेंट भी रिलेट होते हैं, कभी कभी टीचर्स भी होते हैं, बट उन्हें मारना कभी नहीं चाहिए, मैं ये बताऊंगी, क्योंकि मारने से बच्चे का एक जो माइंड होता है वो प्रिपेयर हो जाता है फिर, कि अगर हम कोई शैतानी करेंगे या कुछ भी है तो हमें मार पड़ेगी, देन वो प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये चीज मैं कहूंगी कि मारे बिल्कुल भी नहीं बच्चों को, उनको उसी की वे में आप समझाएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप उस चीज को आप समझदार है आप समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बच्चों का लंच बॉक्स, जो बच्चे बहुत जिद करते हैं कि मुझे नहीं मैगी ले जानी है, मुझे पास्ता ले जाना, और हेल्दी फूड बहुत जरूरी होता है, तो पेरेंट भी उस चीज को नए क्रिएटिव के साथ हम सारा डाइट प्लान भी देते हैं, चार्ट भी आप मंडे ट्यूजडे और बच्चों के अकॉर्डिंग, सिर्फ वन डे उनका फेवरेट फूड का होता है जिसमें वो सारी चीजें कर सकते हैं, और हेल्दी फूड बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। यदि शक्ति सिंह सेंगर जिन्होंने बताया कि बच्चों के मूड को बहुत समझना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उनके मूड को, उनकी सारी चीजों को नहीं समझेंगे तो हम बच्चे को समझ नहीं पाएंगे। स्कूल की बहुत अहम जिम्मेदारी तब हो जाती है जब कोई नया बच्चा अपने परिवार के वातावरण से निकल कर एक ऐसे स्कूल में आता है जिसको अपने सारे कैटेगरी के बच्चे देखते हैं। सीख साथ कैमरा मैन के साथ आकाश इंडिया लाइव टीवी, आरएलबी पब्लिक स्कूल, केशवपुरम, कानपुर।